Hi student, welcome in the EGGIEJ Smart classes, which is initiated for the helping the preparation of the competitive exam of the student of agriculture engineering who are looking for the different jobs. In this EGGIEJ Smart classes, this is the started for e-education system in which there is the e-notes has been given in the concise form as the module wise, as chapter wise, as per the paper first and second, as per the targeted exams. And you can visit the sites anytime, www.eggiesclasses.com, text anytime on the mail eggiesmartclasses@gmail.com. You can make the inquiry by the mobile phone by call on the 727-5573-2933. मैं बताना चाहता हूँ how to start preparation of the specific exams for agriculture engineering. EGGIEJ Smart classes targeted. Now initially they have targeted two exams. First UPSC Assistant Engineer exam 2020, जो 1 नवंबर 2020 को है. इस एग्जाम का जो स्वरूप है चेंज करके दो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर किया गया है, जिसमें फर्स्ट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पेपर है और सेकंड एग्रीकल्चर पेपर है, जिसमें 100 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में रहेंगे, सेकंड पेपर में भी 100 टाइप क्वेश्चन रहेंगे, प्लस 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन फॉर द जीएस इन द सेकंड पेपर एंड 25 नंबर ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द हिंदी सब्जेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट पेपर. तो ये आपका एग्जाम का पैटर्न्स है. अब इसकी तैयारी हम कैसे करें, बच्चों को क्या प्रॉब्लम आती है, we try to cover these e-learning system. थोड़ा सा हम बता दें कि UPSC State Engineering Services for the Assistant Engineer के exam में जो syllabus में है, Agriculture Engineering Paper First include 6 models. इस 6 model में क्या है, thermodynamics and heat engine. Thermodynamics, heat engine, बच्चे second year, third year में पढ़े होते हैं और फाइनल ईयर आते तक सारी चीजें भूल जाते हैं, मैक्सिमम चीजें दे डोंट हैव इन माइंड. यू हैव टू, और इसके लिए जो किताबें होती हैं वो बहुत ज्यादा आपको एक्सटेंशन दिया हुआ, बहुत डिटेल में दिया है, जो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है फॉर दिस एग्जाम. तो इसके लिए हम लोगों ने वी हैव प्रिपेयर 4 चैप्टरों में डिवाइड करके एक 60 नोट्स बनाया है. दिस इज सफिशियंट फॉर दिस एग्जाम. सेकेंड मॉड्यूल है फार्म पावर. फार्म पावर एक बड़ा सब्जेक्ट है, काफी क्वेश्चंस इसके आते हैं, एटलीस्ट 35 से 40 क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं इस सब्जेक्ट से. और इस चैप्टर को पूरी तरीके से आपको 11 चैप्टर में डिवाइड किया गया है. ईच एवरी पॉइंट को कवर किया गया है, 60 नोट को. अगर आप लोग टाइम देंगे 10 से 15 दिन में आप मैक्सिमम इसकी तैयारी कर सकते हैं इस सब्जेक्ट को, क्योंकि 11 में है, 11 चैप्टर में डिवाइडेड है. फार्म मशीनरी इट इज आल्सो, इससे भी 25 से 30 क्वेश्चंस आते हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसको हमने 6 चैप्टरों में डिवाइड किया है और ये भी 10 से 12 दिन में इस सब्जेक्ट में पूरा कमांड आप कर सकते हैं. और एक बढ़िया सा 60 नोट्स बुलेट फॉर्म में आप लोगों को दिया है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं और चैप्टर वाइज आपके क्वेश्चन बैंक भी बनाए गए हैं. प्रोसेसिंग एंड फूड इंजीनियरिंग इज आल्सो, आप लोग पढ़ते हैं फाइनल ईयर, थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर में, लेकिन लास्ट में जो मास्टर डिग्री करने में जिस सब्जेक्ट के आप होते हैं, अगर मान लीजिए फार्म मशीनरी के हैं, फार्म पावर एंड फार्म मशीनरी के हैं, सॉइल वाटर के, तो ये सब्जेक्ट पूरा छूट जाता. इस सब्जेक्ट को कवर करने के लिए हमने 6 चैप्टरों में डिवाइड किया है, छोटा छोटा सा चैप्टर है, अगर उतना भी पॉइंट आप कवर कर लेते हैं तो देयर इज नो नीड ऑफ द एनी बुक टू स्टडी. स्टोरेज एंड मटेरियल हैंडलिंग भी आप लोगों ने सब्जेक्ट छूट चुका होता है अगर आपने दूसरे सब्जेक्ट की तरफ चले गए हैं.
इसको भी चार चैप्टर में हमने डिवाइड किया है और चार चैप्टरों में आपको डिफरेंट ऑब्जेक्टिव टाइप पॉइंट वाइज इसमें जो है आपको दिया गया है, जो आप स्टडी करके आप तैयारी करके 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। हीट एंड मास ट्रांसफर भी दो चैप्टरों में डिवाइड किया गया है, जो सेकेंड या थर्ड ईयर में पढ़ते हैं और मोस्टली आप लोग भूल चुके होते हैं, बट वी हैव कवर वेरी शॉर्ट एंड कंसाइज मैटर विच यू विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर दिस एग्जाम। इसी प्रकार से सेकेंड पेपर में भी आपके देखिए 7 मॉडल है हाइड्रोलिक एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं, थर्ड ईयर में थोड़ा सा पढ़ते हैं, बट नाउ यू हैव नो टच इन दिस। सर्वेइंग एंड लेवलिंग की भी यही दशा है, जो आपको दो चैप्टरों में डिवाइड किया गया है वेरी शॉर्ट नोट में, नीड नॉट टू गो एनी बुक। सॉयल वाटर कंजर्वेशन आपका फाइनल ईयर थर्ड ईयर का होता है, बट वेरी एक्सटेंसिव सिलेबस होता है इसका, इसको कवर करने में आपको बहुत टाइम लग सकता है। इरिगेशन पंप की भी यही दशा है, छोटा सा चैप्टर है, दो चैप्टर में डिवाइड किया गया है और इसको पढ़ने में आपको पढ़ने के बाद सारे क्वेश्चन यू कैन अटेम्प्ट। इरिगेशन ड्रेनेज भी आपको 3 से 4 चैप्टरों में डिवाइड करके आपको शॉर्ट नोट दिया जा रहा है, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। रूरल इंजीनियरिंग, ग्राउंड वाटर, तो इस प्रकार से पूरे एग्जाम के सिलेबस को दो पेपर्स को डिफरेंट मॉड्यूल में चैप्टर वाइज में बहुत छोटे छोटे शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है। अगर इतनी आप पढ़ाई कर लेते हैं तो ये जितना पॉइंट दिया है अगर आप इसको देख लेते हैं तो ये निश्चित है कि आप इस एग्जाम में जरूर पास हो सकते हैं। इतना सारा मैटर एक जगह एक साथ आपको नहीं दिया गया है, जो कि एक्सपीरियंस पर्सन आपको सब मैटर तैयार करने के लिए आपको डिफरेंट बुक की सिलेक्शन की जरूरत होती है, डिफरेंट बहुत सारे बुकें अवेलेबल हैं जिसमें बहुत सारी गलतियां भी हैं, बहुत सारी चीज है, उसको ध्यान करते हुए ये आपका ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम दिया, ये क्या हेल्प आपको करेगा। पहली चीज मैं बताना चाहता हूँ, शॉर्ट नोट्स अवेलेबल है इन बुलेट फॉर्म में, आपको कोई डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर पूरा सिलेबस आप पढ़ना चाहेंगे 6 महीना साल भर लग जाएगा, वो भी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं ढूंढ पाएंगे, बट हियर ऑल द पॉइंट्स हैज गिवन इन द बुलेट फॉर्म, चैप्टर वाइज सिक्वेंस फॉर्म, ईच मॉड्यूल हैज बीन डिवाइडेड, जैसे आपको मैंने बताया है, ईच पेपर हैज बीन डिवाइडेड इन द डिफरेंट मॉड्यूल इन चैप्टर वाइज एंड टोटल चैप्टर अराउंड 55 है। अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो इसको 50 से 2 महीने में पढ़ लेंगे। कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ स्टडी मटेरियल, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, ईच एंड एवरी पॉइंट हैज बीन कवर्ड इन दिस ई नोट। मार्क टेस्ट, हमारे पास क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक बनाया गया है चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज कितने पॉसिबल क्वेश्चन है, अगर आप इसको आप बनाना चाहेंगे तो आपका एग्जाम ऑनलाइन लिया जा सकता है, और आपका पहले टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज फिर होल सिलेबस का आपका एग्जाम एनालिसिस। आपने एग्जाम दिया, मान लीजिए होल सिलेबस का दिया, किस पॉइंट पे किस सब्जेक्ट में कम नंबर आ रहे, कहाँ वीकनेस है, वी कैन एनालाइज, वी कैन गिव द डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट विल गाइड यू टाइम टू टाइम योर वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ। द टाइम इज रनिंग वेरी फास्ट फॉर यूपीएससी एग्जाम 20 विच इज शेड्यूल्ड ऑन द 1st November 2020। प्लीज डोंट डिले फॉर रजिस्ट्रेशन एंड गो थ्रू द फ्री नोट्स अवेलेबल ऑन द साइट एंड मॉक टेस्ट। दिस 3-month कैप्सूल क्रैश कोर्स इज स्पेशली डिजाइंड फॉर द एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग स्टूडेंट टू बिकम द स्टेट ऑफिसर्स एज असिस्टेंट इंजीनियर्स इन डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ द यूपी गवर्नमेंट। हरी अप टू ज्वाइन द ई लर्निंग कोर्स डिजाइन बाई द एग्रीज स्मार्ट क्लासेस। इन दिस कोर्स डिजाइन द कास्ट इज only included the expenditure for helping of the student to become the assistant engineers. Thank for the patient hearing. Bye bye, all the best.